नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। किचन की क्लीनिंग के फ्रेंड्स दो पार्ट्स में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो उतनी क्लीनिंग करने के बाद जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मुझे होम टाउन जाना पड़ा था, तो कुछ हिस्सा मेरी किचन की क्लीनिंग का बाकी रह गया था जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक क्रॉकरी यूनिट और उसके बाद जो सारे हमारे किचन के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी क्लीनिंग करना मेरा रह गया था। तो सबसे पहले जो है मैंने सुबह के और किचन के जो सारे काम होते हैं वो निपटा लिए हैं, प्लांट्स को इंडोर प्लांट्स को पानी वगैरह भी दे दिया है। और अब उसके बाद देखिए क्रॉकरी यूनिट क्लीन करना है तो सारी डेलिकेट क्रॉकरी हमें नीचे उतारनी होती है, तो इसलिए इस तरह से सारे प्लेटफॉर्म जो होते हैं किचन के उन्हें आप खाली कर लीजिए तो आपको क्रॉकरी रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। और जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपको दिखाया था, तो मैं कुछ किचन क्लीनर्स और कुछ सरफेस क्लीनर्स का यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, और कुछ स्पॉन्ज वाइप, कुछ कॉटन के फैब्रिक्स और टिश्यू पेपर वगैरह जैसी चीज़ें मैं क्लीनिंग में यूज़ करूँगी। और जो DIY क्लीनर होता है विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड के सोल्यूशन का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक एक, आप चाहे तो एक एक शेल्फ करके भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप ऊपर की शेल्फ से स्टार्ट कीजिए अगर आपके पास नीचे सामान रखने के लिए जगह नहीं है। तो अभी मैं जो हूँ ये एक कैबिनेट साफ कर रही हूँ और इसके सारे शेल्फ्स मैंने पहले खाली कर लिए, और फिर इनको यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत धूल और कचरा वगैरह होता है, तो पहले सूखे कपड़े से जो है इनकी डस्टिंग की है मैंने, और उसके बाद में सरफेस क्लीनर और पॉन्ज वाइप की हेल्प से मैं इन सारे शेल्फ्स को क्लीन कर लूँगी। और शेल्फ्स के साथ साथ जो कैबिनेट के डोर्स है उन्हें भी मैंने क्लीन कर लिया है। और उसके बाद देखिए जो शेल्फ लाइनर्स होते हैं तो उनकी जगह पर मैंने एक अल्टरनेटिव आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं ये बच्चों की बुक्स को लगाने वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कवर का जो शीट आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ शेल्फ लाइनर। तो ये ऐसे भी आप बिछा देंगे तो भी ये सनमाइका के ऊपर अच्छे से लग जाता है, फिर भी इसे फिक्स करने के लिए मैं सेलो टेप का यूज़ करके इसे जो है फिक्स कर रही हूँ। तो इसे मैंने पहले कट कर लिया शेल्फ की साइज़ के हिसाब से और अभी मैं सेलो टेप की हेल्प से इसे फिक्स कर दूँगी। तो उसके बाद देखिए मैं यूज़ भी कर रही हूँ इसे, तो बिल्कुल भी ये जो शेल्फ लाइनर है ये फिसलता नहीं है, बहुत अच्छे से अपनी जगह पर बना रहता है। और ये जो ओवन में रखने के लिए स्टैंड हमें मिलता है इस तरह का, तो ये हमें हम ओवन में तो डेली यूज़ करते नहीं हैं, तो इसे मैं जो क्रॉकरी की जो मेरी प्लेट्स है उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और जो क्रॉकरी के साथ में हमें जो ये इस तरह के फोम शीट्स मिले होते हैं जो प्लेट्स में रखे हुए आप देख रहे हैं, इन्हें कभी मत हटाइए, इससे जो है क्रॉकरी में हमारी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। तो फोम शीट के साथ ही क्रॉकरी को रखिए। और देखिए इस तरह से मैंने ये सारी क्रॉकरी मेरी अरेंज करके रख दी है। जो ग्लास के शेल्फ्स है वहाँ पर मैंने लाइनर नहीं लगाया है क्योंकि वो इतने गंदे होते भी नहीं हैं और क्लीनिंग करना भी आसान है, आसानी से क्लीन भी हो जाते हैं। वैसे जो ट्रांसपेरेंट शीट मैंने बताए हैं तो वो आप ग्लास की शेल्फ में भी लगा सकते हैं, इससे ग्लास की शेल्फ की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी एज इट इज़ रहेगी। और ये ग्लास के शेल्फ होते भी इसीलिए है कि हमें जो है नीचे से ही पता चले कि कहाँ पर क्या लिखा क्या रखा हुआ है। उसके बाद ये सिंगल डोर वाला एक और कैबिनेट है मेरी क्रॉकरी यूनिट में, तो इसे भी मैंने सेम तरीके से देखिए खाली कर लिया है और सेम तरीके से ड्राई कपड़े से पहले मैंने इसकी डस्टिंग की है और फिर सरफेस क्लीनर और स्पॉन्ज वाइप की हेल्प से मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है। अगर आपके कैबिनेट्स में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग है और चिकनाई वगैरह है तो आप थोड़ा सा हल्का सा जो है हमारा डिश वॉशिंग का स्क्रबर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इन्हें क्लीन करने के लिए। और सेम तरीके से देखिए नीचे वाले शेल्फ में मैंने लाइनर भी लगा दिया है और सारे सामान को जो है मैंने अरेंज कर दिया। अब क्रॉकरी जो है जो मैं बहुत कभी कभी यूज़ करती हूँ तो उसे मैंने ऊपर रखा है
जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है उसे मिडल वाले और नीचे वाले शेल्स में मैंने रखा है, और कुछ इस तरह के मसाला कंटेनर्स वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं यहीं पर। तो इस तरह से देखिए ये तीनों कैबिनेट्स मेरे क्लीन हो गए क्रॉकरी यूनिट के। और ये जो ओवन के ऊपर वाला शेल्फ है तो ये बहुत ही ऊपर है, और यहाँ से नीचे से जो है ये एक्सेसिबल नहीं होता है, ऊपर चढ़ के ही इसे एक्सेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स और कुछ बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि अभी तो ये साल भर के लिए लगने वाले नहीं है। तो इस तरह से ये ऊपर वाला कैबिनेट भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जो कैबिनेट के टॉप वाला पोर्शन है उसे आप पहले ही क्लीन कीजिएगा, मैंने नहीं किया था क्योंकि जो है सामान इस पर काफ़ी हेवी रखा हुआ था और उसे उतार कर देने के लिए मुझे मेरे बेटे की हेल्प चाहिए थी। जब मैंने ये कैबिनेट्स क्लीन किए तब वो उसके स्कूल के ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे, तो तभी मैंने ये टॉप वाला पोर्शन नहीं क्लीन किया है और अभी मैं बाद में कर रही हूँ। तो इस पर देखिए बहुत सारी डस्ट और जाले वगैरह जमे हुए होते हैं, तो पहले जो है झाड़ू से मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया है और उसके बाद कपड़े से वाइप किया है। यहाँ पर भी आप कुछ न्यूज़पेपर वगैरह रख के उस पर वेट रख सकते हैं ताकि ये पोर्शन ज़्यादा गंदा ना हो। मेरा फ़ैन जो है काफ़ी पास में है इसके, तो मैं नहीं अवॉइड करती हूँ कुछ रखना। और फिर क्लीनिंग करनी थी मुझे माइक्रोवेव ओवन की, तो ये काफ़ी भारी है तो मैं नहीं उठा पाई। तो बाद में जब हस्बैंड आए घर पे ऑफिस से तो उनसे मैंने इसे उनकी हेल्प से उतार कर मैंने इसे नीचे ले लिया है। और ये जो ओवन के नीचे वाला जो शेल्फ है वो भी बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि बार बार ओवन को हटा कर यहाँ से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो उसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। और जो ओवन के अंदर जो ये ग्लास की प्लेट और ये टर्निंग का जो होता है ओवन का, वो सारा सामान निकाल लिया है मैंने वॉश करने के लिए। और ओवन को भी देखिए मैंने इस तरह से बाहर से जो है मैं सरफेस क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ, और अंदर की जो स्टीम क्लीनिंग होती है मैं ओवन को ऊपर रखने के बाद करूँगी। तो ओवन की क्लीनिंग करते समय ओवन की साइड्स और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे भी क्लीन करना ना भूलिए। और ये जो शेल्फ है यहाँ पर देखिए अभी इस तरह से मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है ताकि यहाँ पर जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ना जमे, वो कपड़ा रखने से कपड़ा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा धूल को। और ये ग्लास का जो प्लेट वगैरह होता है ओवन में, ये सब मैंने वॉश कर लिया है साबुन से। अब सूखने के बाद मैंने इसे फिर से ओवन में अरेंज कर दिया। और कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्लीन करते समय जो है इन्हें अपने प्लग से इनका जो वायर है वो निकालना ना भूलिए। मैंने ओवन का निकाला हुआ ही था तो मैंने वो आपको नहीं दिखाया। अब इसमें मैंने देखिए एक माइक्रोवेव सेफ बोल में जो है पानी ले लिया है आधी कटोरी भर के, और उसमें मैंने डाल दिया है एक नींबू निचोड़ के, और फिर उसे 5 मिनट के लिए 100% पावर पर माइक्रोवेव करने के लिए रख देंगे। तो इससे जो है इस लेमन वाटर की स्टीम जनरेट होगी और फिर हमें इसे जो है वाइप कर लेना है। तो अब देखिए मैंने निकाल लिया है प्लग और वायर जो है ओवन का, और उसके बाद क्लीनिंग कर लिया है। तो अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ बिना स्विच ऑन किए। तो अच्छे से जो है मेरा ओवन क्लीन हो गया। अब बारी आती है किचन की चिमनी की, तो ये देखिए कितनी गंदी हो रखी है किचन की चिमनी मेरी। तो चिमनी की क्लीनिंग करने के पहले देखिए इस तरह से जो आपका चिमनी के नीचे गैस स्टोव होगा इसके ऊपर आप इस तरह से कोई कपड़ा ज़रूर बिछाए। अगर ऊपर से थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह अगर टपकता है, हम ये फिल्टर्स निकालेंगे तभी, तो आपका गैस स्टोव जो है उससे ख़राब नहीं होगा। और देखिए कितने गंदे हो गए हैं फिल्टर्स। तो अभी इन्हें सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है वॉश बेसिन में, और इनके ऊपर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। और यहाँ पर मुझे इन्हें सोक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए देखिए मेरे बेसिन के साथ में इस तरह का एक कैप मिला है तो वो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई स्टील की कटोरी अगर यहाँ रख देंगे तो भी पानी ब्लॉक हो जाता है और इन्हें आप सोक कर पाते हैं अच्छे से। तो इस तरह से देखिए ऊपर से मैंने डाला है गर्म पानी, और गर्म पानी डालते ही ये अपने आप अच्छे से जो है भीगने लगा, साफ़ होने लगा है। तो इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया। और मेरी जो चिमनी है वो डक्टेड नहीं है, इसमें इस तरह के कार्बन के फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो वो फिल्टर्स भी मैंने निकाल लिए हैं। और फिर अभी मैं सरफेस क्लीनर की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ।
और इसे भी मैंने स्विच ऑफ कर लिया है। आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्लीन करें तभी। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ का, शॉक वगैरह लगने का। और फिर चिमनी को जो है अंदर बाहर से अच्छी तरह से वाइप करना है जब तक कि इसकी सारी चिकनाई वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी जो ग्लास होती है सामने वाली उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और इसके जो स्विचेस वगैरह होते हैं वो सारा एरिया हमें क्लीन करना है अच्छे से। और फिर जो चिमनी की साइड्स होती है उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। जो अंदर जो चिमनी के ऊपर आप कैबिनेट देख रहे हैं उसके अंदर वाला पोर्शन मैंने कैबिनेट जब भी क्लीन किए थे तभी क्लीन किया था, तो अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ। और जो कार्बन के फ़िल्टर्स है उन्हें सिर्फ सूखे कपड़े से इस तरह से वाइप करना है। और जो ये स्टील के फ़िल्टर्स हमने सोक किए हुए थे अब मैं इन्हें इस तरह से स्क्रबर से जो है हमें घिस लेना है जैसे हम नॉर्मली बर्तन वगैरह घिसते हैं वैसे, और फिर वॉश करके इन्हें अच्छे से ड्राई करने के लिए रख देना है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम अपनी चिमनी में जो है सारे फ़िल्टर्स लगा देंगे। तो पहले मैं ये कार्बन का जो फ़िल्टर है वो लगा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर खांचे लगे हुए होते हैं और इस तरह से टर्न करके ये आसानी से फिक्स हो जाते हैं, ये जो कार्बन के फ़िल्टर्स है ये, और इन्हें हमें हर साल डेढ़ साल में जो है चेंज करना होता है। और फिर उसके बाद जो ये स्टील के फ़िल्टर्स है देखिए अच्छे से ड्राई हो गए हैं और कितने क्लीन भी हो गए हैं, तो इन्हें मैंने फ़िक्स कर दिया है यहाँ पर। और इस तरह से देखिए ये चिमनी भी क्लीन हो गई और कितनी जो है फ्रेश लग रही है ये क्लीन करने के बाद, बिल्कुल नई जैसी। और जो अप्लायंसेस की क्लीनिंग है इसमें देखिए फ्रिज की क्लीनिंग मैंने आपके साथ में पहले ही शेयर की है, उसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और चिमनी के बाद बारी आती है गैस स्टोव की, तो इसे क्लीन करने के लिए देखिए इसके बर्नर्स को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है और इनके ऊपर मैं डाल रही हूँ विनेगर। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं लिया है, डायरेक्टली विनेगर में ही मैं ये जो बर्नर के जो कवर्स है इन्हें सोक कर रही हूँ। ये पीतल के होते हैं तो विनेगर में डालने से बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। आप चाहे तो विनेगर के साथ यहाँ पर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और फिर जो गैस स्टोव है इसके ऊपर मैंने किचन क्लीनर जो है वो स्प्रे कर दिया है, खास करके जो ड्रिप ट्रे होते हैं हमारे गैस स्टोव के बर्नर के आसपास वाले वहाँ पर, और 5 मिनट मैंने इसे जो है इसमें सोक करने के लिए रख दिया। और उसके बाद इसकी जो है हम जो तार वाला स्क्रबर होता है उसकी हेल्प से इसकी स्क्रबिंग करेंगे। और जो तार वाले ब्रश आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग जो यहाँ पर लग जाते हैं जले हुए खाने के उन्हें निकालने के लिए। तो मेरे वो ब्रश जो है ख़राब हो गए थे और नए ब्रश मंगवाने का मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं इस तरह से देखिए चम्मच से क्लीन कर रही हूँ उस जगह को। और अगर ये एक बार में नहीं होता है तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप पहले जो आपने क्लीनर डाला है उसे वाइप कर लीजिए और फिर से दोबारा से फ्रेश इस पे क्लीनर का जो है स्प्रे कीजिए और फिर से इसकी स्क्रबिंग कीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं पुराने टूथब्रश का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और चम्मच से भी मैं जो ज़िद्दी दाग है वो हटा रही हूँ। तो इस तरह से एक एक करके ये तीनों बर्नर्स भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके ऊपर के जो और भी एक्सेसरीज़ होते हैं जो बर्तन रखने का स्टैंड वगैरह, तो वो तो मेरे ऑलमोस्ट डेली में उन्हें जो है बर्तनों के साथ वॉश करवा लेती हूँ अपने हाउस हेल्पर से, तो उसे मैंने अभी आपको क्लीनिंग करते हुए नहीं दिखाया है। और ये देखिए ये वाला बर्नर जो है ये मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे मैंने 2-3 बार मुझे इस प्रोसेस को रिपीट करके क्लीन करना पड़ा। और उसके बाद जो गैस के नॉब्स है और जो साइड्स वगैरह है गैस की उन्हें भी इसी तरह से क्लीन कर लेंगे। नॉब्स के यहाँ पर जो है स्क्रबिंग करना पड़ा मुझे, बहुत चिकनाई थी वहाँ पर। तो और जो स्टोव के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे भी साथ ही साथ क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद देखिए ये जो बर्नर्स मैंने सोक करके रखे हुए हैं तो बिल्कुल आसानी से ये क्लीन हो जाते हैं विनेगर की हेल्प से। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे घिसना भी नहीं पड़ा, हल्का हल्का सा मैंने बाद में इसे स्क्रब कर लिया है डिश वॉशिंग स्क्रबर से।
और इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इन्हें भी देखिए, अभी विनेगर थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा भी बाद में ऐड कर दिया था ताकि इनके जो पोर्स होते हैं वो भी अच्छे से खुल जाए। इसमें कुछ कार्बन वगैरह जम जाता है तो वो सोडा की हेल्प से जो है अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर इन्हें जो है हमारे नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड या फिर सोप से जो है आप क्लीन कर लीजिए और इन्हें अच्छे से सूखने के बाद ही गैस पर वापस लगाइए, क्योंकि इनमें थोड़ा भी अगर पानी रहेगा तो हमारे गैस की जो फ्लेम है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए बहुत नए जैसे बिल्कुल ये क्लीन हो जाते हैं और इन्हें अभी मैंने सूखने के लिए रख दिया। तो चलिए, हमारा गैस स्टोव भी जो है सूख गया है सब अच्छे से और अभी इसकी जो एक्सेसरीज़ है वो भी मैंने पहले से ही लगा दी है और बर्नर्स भी लगा दिए हैं। और जो ये राइट वाला बर्नर है इस पर मैंने चाय बनाई थी तो ये थोड़ा सा आपको काला दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं कितनी स्पार्कलिंग क्लीन हो गई है हमारी जो ये गैस की स्टोव है ये। और ये देखिए इसकी साइड्स और जो नॉब्स वगैरह है वो भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। उसके बाद मैंने क्लीन किया एग्जॉस्ट फैन को तो देखिए कितना गंदा हो रखा है एग्जॉस्ट फैन। और इसके जो ये सारा इसका जो फ़ैन होता है और ये बाहर वाला कवर होता है ये सारे पार्ट्स रिमूवेबल होते हैं तो इन्हें मैं एक एक करके अभी निकाल लूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले देखिए मैंने फ़ैन के ऊपर लगा हुआ कवर निकाला, फिर फ़ैन निकाला और जो ये बाहर का जो स्क्वायर शेप का इसका ब्रैकेट टाइप का कवर है वो भी निकाल लिया। और इन सारे पार्ट्स को जो है नॉर्मल जो डिश वॉशिंग सोप और स्क्रबर होता है उसकी हेल्प से मैं अच्छे से वॉश करके इन्हें सूखने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जो फ़ैन का जो मशीन है ऊपर की तरफ लगा हुआ उसे हमें क्लीन करना है। तो मेरा जो है यहाँ पर जो है कोई पिन वगैरह नहीं है, डायरेक्टली वायर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आपके फ़ैन का अगर पिन वगैरह हो तो वो भी आप निकाल लीजिएगा, मैंने सिर्फ स्विच ऑफ किया है। और अभी मैं थोड़ा सा हाथ में ही कैमरा पकड़ के आपको दिखा रही हूँ। तो इसे यहाँ पर बिल्कुल भी पानी या फिर गीला कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं करना है, मैं इसे टिश्यू पेपर से यूज़ कर रही हूँ। और जो ये बाहर वाला कवर है वो निकालना बाकी रह गया था तो वो भी मैंने निकाल लिया है। उसका जो है ऊपर वाला पार्ट नहीं निकलता है जो यहाँ पे तार से जुड़ा हुआ है। और ये बाहर वाला कवर भी देखिए मैंने अच्छे से डिश वॉशिंग लिक्विड और स्क्रबर से वॉश करके रख दिया है। तो ये देखिए ये सारे पार्ट्स जो है ड्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम फैन में अच्छे से लगा देंगे। तो फैन का जो मोटर वाला हिस्सा था उसे मैंने सिर्फ सूखे टिश्यू पेपर से क्लीन किया है, इसकी चिकनाई जो है उसे मैंने टिश्यू पेपर से निकाला है, बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने गीले कपड़े का यूज़ नहीं किया है। और अब देखिए एक एक करके मैंने जो है फ़ैन के सारे पार्ट्स इसमें लगा दिए हैं। सबसे पहले मैंने बाहर का जो कवर था इसका वो लगाया और फिर फ़ैन लगाया और फिर उसके ऊपर वाले कवर्स मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरह से देखिए क्लीन हो चुका है फ़ैन और कितना फ़र्क इसमें आप देख सकते हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया था कितना गंदा था तभी और अभी देखिए। तो इस तरह से आसानी से जो है आप भी अपने फ़ैन को जो है क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्लीन किया है मेरे फूड प्रोसेसर को तो इसके भी जितने पार्ट्स रिमूवेबल है वो सारे मैंने निकाल कर ले लिए हैं वॉश करने के लिए। और जो ये इसका बॉडी है इसे मैं बिल्कुल सूखा सूखा सा मैंने स्क्रबर लिया है और स्क्रबर पे जो है डिश वॉशिंग लिक्विड मैंने हल्का सा लगा लिया है और इसकी हेल्प से स्क्रब करके मैं इसकी बॉडी को क्लीन करती हूँ। अभी ये बहुत पुराना है, 15 साल पुराना है तो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो आपको पीला पीला लग रहा होगा, तो ये इसका जो है वो कलर ही बदल चुका है, हीट की वजह से होगा शायद। तो इसके लिए ये जो इसका पीलापन है ये नहीं जाता है, बस बाकी जो भी गंदगी है वो मैं इसकी साफ़ कर लूँगी। और ये अंदर वाला पोर्शन देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर टूथब्रश और टिश्यू पेपर वगैरह की हेल्प से मैंने इसे साफ़ किया है और जो मिक्सर के नीचे वाली साइड होती है उसे भी क्लीन कर लेंगे। और फिर जो इसकी जो एसेसरीज सारी मैंने निकाली थी उन्हें मैंने डायरेक्टली सोप और स्क्रबर से जो है वॉश कर लिया है।
और फिर वॉश करके सूखने के बाद इसे फिर से लगा देंगे फूड प्रोसेसर के ऊपर। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा क्लीन हो गया। तो क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस की भी हम क्लीनिंग कर लेंगे, तो एक ही साथ सब हो जाता है, वरना बाद में जो है हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों की जो क्लीनिंग है वो करना। तो इसके इसी तरह से देखिए ये जो हैंड ब्लेंडर होता है उसे भी मैंने सेम तरीके से मैंने क्लीन किया है। नीचे वाला जो इसका पोर्शन होता है वो तो हम हमेशा जब भी यूज़ करते हैं तभी क्लीन करते ही है, पर जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर मोटर लगी होती है इसे हम वॉश नहीं कर सकते। तो इसे भी मैंने देखिए तो हल्का सा मैंने स्क्रब कर लिया और वाइप कर लिया है, और इसका जो ये स्टैंड था इसे मैंने डायरेक्टली वॉश किया है, मिक्सी के जो सारे पार्ट्स वॉश किए थे उनके साथ में, और इसे फिर से अपनी जगह पर फिक्स कर दिया। तो उसके बाद जो है सिर्फ अभी काउंटर टॉप जो है किचन का, ये तो फ्रिक्वेंटली क्लीन होते रहता है, पर इसकी भी क्लीनिंग मैंने जो है अप्लायंसेस के बाद कर ली है। तो यहाँ पर जो ये कुछ सामान परमानेंटली मेरा रखा हुआ होता है उसे मैंने अपनी जगह से थोड़ा सा हटा दिया है और काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर ली है, और जिस ट्रे में मैं ये सामान रखती हूँ इसे मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, और वॉश करके अभी मेरे पास ड्राई करने के लिए समय नहीं है तो मैंने वाइप कर लिया और वाइप करके इसे रीअरेंज कर दिया। तो इस तरह से देखिए क्लीनिंग के साथ साथ डिक्लटरिंग भी हो जाती है, कुछ दवाइयाँ जो है ख़त्म हो चुकी होती है या फिर एक्सपायर हो चुकी होती है ऐसी दवाइयों को मैंने यहाँ से हटा दिया है। और ये जो चीनी मिट्टी का बड़ा सा पॉट आप देख रहे हैं अचार वगैरह का, तो इसमें मैंने जो है सारे किचन के वाइप किचन के नैपकिन्स जो होते हैं वो मैंने इसके अंदर भर के रख दिए हैं। और इस तरह से अब ये जो आगे वाला हिस्सा है प्लेटफॉर्म का उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसी तरह से देखिए मेरे किचन का ये पूरा प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर मेरे DIYs आप देख रहे होंगे जो किचन को डेकोर करने के लिए मैंने बनाए हैं, जो ये लीफ शेप का प्लेसमेट है ये इसका भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये भी मेरा एक DIY है, और जो टाइल के ऊपर मैंने साइन बोर्ड बनाया है इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो मेरी चैनल की DIY प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो से आपको अपनी किचन को क्लीन करने के लिए ज़रा सी भी मोटिवेशन मिली हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और फिर जो किचन का जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गैस स्टोव रखा हुआ है, तो ये जो क्लिप है मैंने रात में शूट की थी डिनर ख़त्म होने के बाद जब मैं इसे क्लीन करती हूँ तभी, तो थोड़ा सा जो है ठीक से कैमरा फोकस नहीं दे रहा है पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से देखिए किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद किचन में जो फ्रेशनेस आ जाती है और यहाँ पर जो है काम करने में इतना आपको अच्छा फील होगा, तो आप भी ज़रूर अपनी किचन को इस तरह से डीप क्लीन कर लीजिए अगर आप तक आपने नहीं किया है तो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।